सचिवालय में फर्जी दस्तावेज से खिलाड़ियों के आउट ऑफ टर्न नियुक्ति पाने के प्रकरण का भंडाफोड़ करते हुए हर विभाग के संदिग्ध प्रकरणों की व्यापक जांच शुरू कर दी गई। इससे विभागों में खिलाड़ियों के आउट ऑफ टर्न नियुक्ति को लेकर हड़कंप मच गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कि पिछले 5 साल में सरकारी नियुक्ति पाने वालों के दस्तावेजों की व्यापक जांच शुरू की जाए और जब दस्तावेजों की जांच हुई तो इसमें फर्जी दस्तावेज से आउट ऑफ टर्न नियुक्ति पाने का भंडाफोड़ हुआ है। सचिवालय में फर्जी दस्तावेज से नियुक्ति पाने के प्रकरण का भंडाफोड़ हुआ। पिछले 2 सालों में नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों की दस्तावेज जाँच में खुलासा हुआ। प्रोबेशनर लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पंकज कुमार शर्मा को नियुक्ति दी थी। खिलाड़ियों के आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रावधान अनुसार नियुक्ति दी थी। आउट ऑफ टर्न आधार पर 8 अक्टूबर 2023 के आदेश से नियुक्ति दी थी। पंकज ने मेवाड़ विश्वविद्यालय से कोर्स करने की जानकारी दी थी। प्रस्तुत अधिप्रमाणन पत्र का पुलिस चरित्र सत्यापन कराया गया जिसमें पंकज का इस विश्वविद्यालय से कोई कोर्स करना नहीं पाया गया। विश्वविद्यालय की रिकॉर्ड जांच में पंकज के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में विधिक राय के बाद नोटिस देकर पंकज को स्पष्टीकरण का मौका दिया। पंकज ने किसी व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी देकर फंसाना बताया है। इस मामले में DOP ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया और फेक सर्टिफिकेट पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त की। पिछले 5 सालों में नौकरी पाने वाले करीब 21 ऐसे कर्मियों के दस्तावेजों की जांच जारी है जिनके या तो दस्तावेज पूरे नहीं है या फिर उनमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। सरकार की ओर से जारी निर्देशों का असर है कि हाल में जो भी नियुक्ति पाए हैं उनके दस्तावेज भी जांच के घेरे में हैं और इनमें क्रिकेटर रवि बिश्नोई का नाम भी शामिल है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।